और सीधे आपको ले चलते राजधानी रायपुर, जहां कांग्रेस की जन अधिकार रैली निकाली जा रही है। मंच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे, आपको बता दें तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी मंच पर आसीन हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक पर जिस तरह से राजभवन द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया राज्यपाल के द्वारा, इसका विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस आज जन अधिकार रैली निकालने जा रही है। साइंस कॉलेज ग्राउंड से तस्वीरें निकलकर सामने आई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची हुई है, पीसीसी श्री मोहन मरकाम भी मंच पर मौजूद है और कांग्रेस की जन अधिकार रैली अब साइंस कॉलेज मैदान से निकाली जाएगी। मंच के राइट साइड आ रहे सब लोग, आप लोग चले जाएं उधर तीसरा रो में, और इधर मंच के सामने तीसरा रो में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे सेवा दल के साथी जितने भी पीछे हमारे बहुत बड़ी मात्रा में हमारे साथी उधर हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनको कृपया तीसरा और चौथे रो में जल्द जगह दीजिए उनको। और इसी के साथ ही आज का जो जन अधिकार महाधिकार रैली का आयोजन किया गया है जो जिसका इंतजार था, और इसका शुरुआत करते हुए मैं अगला इस कार्यक्रम को संबोधन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे राज्यसभा के सांसद श्रीमती फूलो देवी नेताम जी, आप भी आए और इस जन अधिकार महारैली को संबोधित करिए। तब तक मैं सभी आदरणीय साथियों से निवेदन करता हूँ कि व्यवस्था को बनाने में सुचारू रूप से मदद करें, क्योंकि हमारे मंचासीन सभी अतिथि आ गए हैं और सभी लोग आप लोग आ जाएं और तीसरा और चौथा रो में उनको एंट्री दे दें। फ्रंट रो में हमारे जो साथी आ रहे हैं, निवेदन करूंगा कि फ्रंट रो में अब जगह उपलब्ध नहीं है, वो जो कुर्सियां खाली है वहां पे आकर। कांग्रेस की जन अधिकार रैली आज राजधानी रायपुर में निकाली जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरह से 2 दिसंबर को आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित करा दिया था विधानसभा के विशेष सत्र में, और इसके बाद अब तक जो ये विधेयक है उस पर माननीय राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। राजभवन में ही यह संशोधन विधेयक है और इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनकी पूरी कैबिनेट लगातार ये सवाल करती रही है राजभवन से कि आखिर जब संशोधन विधेयक पारित हुआ है सर्वसम्मति से, तब इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए जा रहे हैं, क्यों इसे कानून का रूप नहीं दिया जा रहा है, और इसके विरोध में आज जन अधिकार रैली कांग्रेस की निकाली जा रही है। यादव जी, जो हमारे